स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे ओट्स के हेल्दी और टेस्टी लड्डू। बच्चों को ओट्स खाना पसंद नहीं होता, इसलिए आप बच्चों के लिए हेल्दी टेस्टी ओट्स के लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ओट्स के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ओट्स के लड्डू बनाने के लिए 3 कप ओट्स ले लेंगे। ओट्स को मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। ओट्स को दरदरा पीसने के बाद साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में 1/3 कप सफेद तिल डालकर रोस्ट कर लेंगे। तिल को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक तिल से कड़कने की आवाज ना आने लगे। तिल के रोस्ट हो जाने के बाद प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई को फिर से गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं 1/3-4 कप देसी घी, 1/4 कप घी है ये। घी के हल्के से गर्म हो जाने के बाद 50 ग्राम काजू डाल देंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखते हुए गोल्डन ब्राउन हो जाने तक तल लेंगे। काजू का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई से निकालने के बाद काजू को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं 50 ग्राम बादाम। अगर हम कप से मेजरमेंट करेंगे तो काजू 1/3 कप और बादाम 1/3 कप है। बादाम को भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बादाम को भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे 1/4 कप गोंद डालकर भून लेते हैं। गोंद को गोल्डन ब्राउन कलर और अच्छी तरह से फूल जाने तक भून लेंगे। गोंद के अच्छी तरह भून जाने के बाद कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। गोंद को भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। बचे हुए घी में अब हम डाल देते हैं पीस कर रखा हुआ ओट्स। ओट्स को गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखते हुए ओट्स को भून लेंगे। ओट्स को भूनते समय लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि ओट्स तले में ना लगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। गोंद के ठंडा हो जाने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। गोंद को पीसने के बाद बर्तन में निकाल लेते हैं। काजू और बादाम दोनों ठंडे हो चुके हैं, दोनों को बारीक बारीक काट लेते हैं। ओट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। ओट्स में अब हम डाल देते हैं बारीक कटे हुए काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा नारियल, किशमिश या हरी इलायची कूटकर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 1 कप छानकर रखी हुई बूरा डाल देते हैं। रोस्ट करके रखे हुए तिल डाल देते हैं। तिल हम आधे डालेंगे, आधा लड्डू के ऊपर कोट करेंगे। पीस कर रखा हुआ गोंद डाल देते हैं। हाथों से सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो 1 कप बूरा परफेक्ट है। अगर ज़्यादा खाते हैं तो 1.5 कप बूरा का यूज़ करें। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, अब इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, हाथों से दबाते हुए गोल बना लेंगे। दोनों हाथों से शेप देते हुए लड्डू तैयार कर लेंगे। लड्डू को शेप देने के बाद ऊपर से तिल की कोटिंग कर लेंगे। तिल की कोटिंग ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। इसी तरह से बाकी के लड्डू बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। ओट्स के लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं। ओट्स के लड्डू बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ट्राई करें। अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।